वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे हैं। आज का ये वीडियो नए साथियों के लिए है जो गुरुकुल में रहकर सेवा कार्य करना चाहते हैं। जो सबसे पहली हमें आवश्यकता है वो एक रसोई में आवश्यकता है, कोई भी भाई बहन जो भोजन का कार्य में निपुण हो उसकी आवश्यकता है, भोजन बनाने में निपुण हो तो एक व्यक्ति की आवश्यकता है। साथ में एक सहायक की आवश्यकता है जो साफ सफाई का कार्य कर सके। साफ सफाई में जो मुख्य जिम्मेवारियां रहेंगी, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना और अन्य साफ सफाई, पेड़ पौधों में पानी डालना, इस प्रकार का कार्य है। ये भी आवश्यकता गुरुकुल में रहकर ही आप कर सकते हैं। तो पहला रसोई के लिए आवश्यकता है, दूसरा साफ सफाई के लिए आवश्यकता है, तीसरी जो आवश्यकता है वो शिक्षक की आवश्यकता है। पाँचवीं कक्षा तक के जो सभी विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित को पढ़ाने में निपुण हों पाँचवीं कक्षा तक के। साथ में बच्चों के साथ खेलना, उनको अच्छे से खिलाना, रात को कहानियाँ सुनाना, ये सब उसके मुख्य कार्य रहेंगे। वो भी आवश्यकता गुरुकुल में रहकर ही आप कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे साथी जो भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा से या देश, प्रकृति और समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनका स्वागत है। उसके बाद हमें आवश्यकता है फ़ोन के कार्य हेतु। जो फ़ोन रोगियों के जितने भी फ़ोन आते हैं उनको उठा के उनको ठीक से रिप्लाई देना, उनको गाइड करना परहेज के बारे में, ये आवश्यकता है। इसके अलावा हमें आवश्यकता है कुछ ऐसे साथियों की जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, यानी कि पहले वो 3-4 महीने प्रशिक्षण लेंगे, चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसके बाद ऑनलाइन रोगों की चिकित्सा करेंगे। यानी कि जो हमारा एक स्वप्न है कि पूरा देश रोग मुक्त हो, उस अभियान की वो मुख्य कड़ी होंगे। तो ऐसे जो भी साथी हैं जो इस कार्य में सहयोगी बनना चाहते हैं तो उन सबका स्वागत है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, एक आवश्यकता है हमें ऐसे अध्यापक की जो 5वीं कक्षा तक के सभी विषयों को पढ़ा सके और बच्चों को शाम को खिला सके, खेल में व्यस्त रख सके, साथ में उनको अच्छी कहानियाँ सुना सके। जो सबसे ज़रूरी बात है अध्यापक के लिए, उसके अंदर देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम और समाज के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा होना चाहिए और वो स्वदेशी विचारधारा से हो, ताकि गुरुकुल का जो मूल उद्देश्य है उसी को वो आगे बढ़ा सकें। उसके बाद हमें रसोई में एक आवश्यकता है सेवक की जो भोजन निर्माण में दक्ष हो। एक आवश्यकता है साफ सफाई के लिए, जिसमें कपड़े धोने से लेके साफ सफाई की व्यवस्था है, बर्तन साफ करना है और जो खाली समय है उसमें चिकित्सालय से संबंधित बोतलें साफ करना है, पेड़ पौधों में पानी डालना, इस प्रकार का मिला जुला उनका कार्य रहेगा। इसके बाद हमें जो आवश्यकता है ऐसे साथियों की जो चिकित्सा के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चिकित्सा का कार्य है उसको छोड़ के बाकी सभी वेतन आधारित कार्य हैं उनको उचित वेतन दिया जाएगा उनकी कार्य क्षमता के आधार पर। तो जो भी साथी इस कार्य के लिए आना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, उस पर आप संपर्क करके गुरुकुल में आ सकते हैं। एक जो विशेष बात है कि आपका चुनाव होने के बाद ही आपको वेतन दिया जाएगा, यानी कि आप जहाँ कहीं से भी गुरुकुल में आएंगे और वापस जाएंगे इनका खर्चा आप खुद वहन करेंगे। 2 दिन के लिए शिक्षक को डेमो पे रखा जाएगा, अगर आपका चुनाव हो जाता है तो आपको स्थायी रूप से यहीं रख लिया जाएगा। अगर आप बहुत दूर से हैं तो आप अपने वस्त्र वगैरह साथ लेके आएं, ताकि जब आपका चुनाव हो जाए तो इमीडिएट आपका कार्य प्रारंभ हो जाए, और अगर आपका चुनाव नहीं होता है तो आपको 2 दिन के बाद सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन उन 2 दिनों का ना तो आपको वेतन दिया जाएगा ना आने जाने का किराया दिया जाएगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे हैं।